किसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर एक कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। घोंसले में कबूतरी के दो अंडे भी रखे हुए थे। कबूतरी बड़े प्यार से अपने अंडों की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, कबूतरी दाना चुगने के लिए गई हुई थी। तभी वहां पर एक इच्छाधारी नागिन आ गई। नागिन बहुत भूखी थी। बहुत भूख लगी है मुझे। अगर कोई पंछी या जीव जंतु मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। इच्छाधारी नागिन किसी जीव जंतु की तलाश में काफी देर तक इधर उधर टहलती रही, लेकिन उसे कोई भी जीव जंतु नजर नहीं आया। ओहो, क्या हो गया? आज सारे जीव जंतु कीड़े मकौड़े कहाँ मर गए? मैं क्या खाकर अपनी भूख शांत करूं? तभी नागिन की नजर पेड़ पर रखे कबूतरी के घोंसले पर पड़ी और नागिन जीभ लपलपाती हुई पेड़ पर चढ़ गई। नागिन घोंसले में रखे अंडों को देखकर खुश हो गई। अरे वाह, कबूतरी के अंडे! बहुत दिनों से मैंने किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। आज मैं इन्हीं अंडों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और फिर इच्छाधारी नागिन दोनों अंडों को खा गई। अंडे खाकर मजा आ गया। तभी वहां पर कबूतरी आ गई और घोंसले से अपने अंडे गायब देखकर बौखला गई। कबूतरी बोली, अरे मेरे अंडे कहाँ गए? घोंसले से मेरे अंडे गायब हैं। अरे मैं तो इन्हें यहीं घोंसले में ही छोड़ कर गई थी। मेरे अंडे कहाँ गए? तेरे अंडे मेरे पेट में चले गए। मुझे बड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने ही तेरे अंडे खा लिए। क्या? नहीं, मेरे अंडे खाकर तुझे क्या मिला नागिन? मैं तुझे इस जुर्म के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। देख, मैं कोई आम नागिन नहीं हूँ, इच्छाधारी नागिन हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कबूतरी। और फिर इच्छाधारी नागिन वहां से चली गई। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद कबूतरी ने फिर से अंडे दिए और अंडों पर बैठकर अंडों को सेने लगी। फिर एक दिन जब कबूतरी दाना चुगने के लिए गई तो वहां एक बार फिर इच्छाधारी नागिन आ गई और दोनों अंडों को खा गई। तभी कबूतरी भी घोंसले में वापस आ गई और अंडे गायब पाकर रोने पीटने लगी। हाँ, अरे मेरे अंडे! अरे दुष्ट नागिन, तू फिर से मेरे अंडों को खा गई। हाय, मैं क्या करूं प्यारी कबूतरी? तेरे अंडे मुझे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसीलिए तो मैं तेरे अंडे खा जाती हूँ। कबूतरी गुस्से में भरकर अपनी चोंच से नागिन पर प्रहार करने लगी। नागिन कबूतरी को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबूतरी उड़कर दूर चली गई और एक दूसरे पेड़ पर बैठकर रोने लगी। हाय हाय, बिजली गिरे उस इच्छाधारी नागिन पे, मेरे अंडे खा गई। कमीनी, फिर से मेरे अंडे खा गई। जिस पेड़ पर कबूतरी बैठी रो रही थी, उसी पेड़ पर मधुमक्खी का एक छत्ता भी लगा हुआ था। रानी मधुमक्खी कबूतरी का रोना सुनकर कबूतरी के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ कबूतरी बहन? क्या तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम यहाँ बैठकर इतनी करुण आवाज में रो रही हो? बहन मधुमक्खी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जब भी अपने घोंसले में अंडे देती हूँ,
एक इच्छाधारी नागिन आकर मेरे अंडे खा जाती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उस नागिन से अपने अंडों की रक्षा कैसे करूँ। कबूतरी बहन, तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे उस नागिन पर गुस्सा भी आ रहा है। मेरे विचार से उस दुष्ट नागिन को सजा मिलनी चाहिए। अरे वो तो इच्छाधारी नागिन है, उसे कौन सजा देगा? मेरे पास एक योजना है, सुनो। और फिर मधुमक्खी ने कबूतरी के कान में अपनी योजना बताई और योजना सुनकर कबूतरी बोली, ठीक है बहन, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगी। फिर अगले दिन कबूतरी मधुमक्खी वाले पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिन बीत जाने पर घोंसले में अंडे भी दे देती है। फिर एक दिन जब कबूतरी कहीं दाना चुगने के लिए गई तो वहां पर एक बार दोबारा इच्छाधारी नागिन आ गई और वो अंडों को खाने लगी। तभी बहुत सी मधुमक्खियों ने अपने छत्ते से निकलकर नागिन पर हमला बोल दिया और नागिन को अपने नुकीले डंक चुभा चुभा कर बेहाल कर दिया। नागिन दर्द के मारे चीखने लगी, अरे बचाओ बचाओ, मधुमक्खियों से मुझे बचाओ, अरे छोड़ दो मधुमक्खियों मुझे, अरे मैं मर गई रे। मधुमक्खियों के काटने से नागिन का पूरा शरीर सूज कर मोटा हो गया और नागिन पेड़ से नीचे गिर पड़ी। नागिन से अब उठा भी नहीं जा रहा था। तभी कबूतरी भी वापस अपने घोंसले में लौट आई और अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई। रानी मधुमक्खी कबूतरी के पास आई और बोली, देखो कबूतरी बहन, हमारी योजना सफल हो गई है। तुम्हारे अंडे खाने वाली नागिन को हमने कैसा सबक सिखाया है। कबूतरी उड़कर नीचे पड़ी हुई नागिन के पास आई और बोली, दुष्ट नागिन, आ गई तेरी अकल ठिकाने, अब बोल फिर से आएगी मेरे अंडे खाने? अरे जान बख्श तो मेरी, अरे भाई मुझे अपने किए की सजा मिल गई है, जाने दो मुझे। मैं वादा करती हूँ आज के बाद किसी के भी अंडे नहीं खाऊंगी। और फिर नागिन किसी तरह रेंगती हुई वहां से चली गई। कबूतरी रानी मधुमक्खी को धन्यवाद देने लगी। बहन, तुमने उस दुष्ट नागिन को सबक सिखाकर मेरे अंडों को बचा लिया, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उपकार कैसा बहन, एक दूसरे की मदद करना हम जीव जंतुओं का फर्ज है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर एक कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। घोंसले में कबूतरी के दो अंडे भी रखे हुए थे। कबूतरी बड़े प्यार से अपने अंडों की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, कबूतरी दाना चुगने के लिए गई हुई थी। तभी वहां पर एक इच्छाधारी नागिन आ गई। नागिन बहुत भूखी थी। बहुत भूख लगी है मुझे, अगर कोई पंछी या जीव जंतु मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। इच्छाधारी नागिन किसी जीव जंतु की तलाश में काफी देर तक इधर उधर टहलती रही, लेकिन उसे कोई भी जीव जंतु नजर नहीं आया। ओहो, क्या हो गया, आज सारे जीव जंतु कीड़े मकौड़े कहाँ मर गए, मैं क्या खाकर अपनी भूख शांत करूं? तभी नागिन की नजर पेड़ पर रखे कबूतरी के घोंसले पर पड़ी और नागिन जीभ लपलपाती हुई
पेड़ पर चढ़ गई। नागिन घोंसले में रखे अंडों को देखकर खुश हो गई। अरे वाह, कबूतरी के अंडे। बहुत दिनों से मैंने किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। आज मैं इन्हीं अंडों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और फिर इच्छाधारी नागिन दोनों अंडों को खा गई। अंडे खाकर मजा आ गया। तभी वहां पर कबूतरी आ गई और घोंसले से अपने अंडे गायब देखकर बौखला गई। कबूतरी बोली, अरे अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? घोंसले से मेरे अंडे गायब हैं। अरे मैं तो इन्हें यहीं घोंसले में ही छोड़कर गई थी। मेरे अंडे कहाँ गए? तेरे अंडे मेरे पेट में चले गए। मुझे बड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने ही तेरे अंडे खा लिए। क्या? नहीं, नहीं। मेरे अंडे खाकर तुझे क्या मिला नागिन? मैं तुझे इस जुर्म के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। देख, मैं कोई आम नागिन नहीं हूँ, इच्छाधारी नागिन हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कबूतरी। और फिर इच्छाधारी नागिन वहां से चली गई। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद कबूतरी ने फिर से अंडे दिए और अंडों पर बैठकर अंडों को सेने लगी। फिर एक दिन जब कबूतरी दाना चुगने के लिए गई तो वहां एक बार फिर इच्छाधारी नागिन आ गई और दोनों अंडों को खा गई। तभी कबूतरी भी घोंसले में वापस आ गई और अंडे गायब पाकर रोने पीटने लगी। हाँ, अरे मेरे अंडे। अरे दुष्ट नागिन, तू फिर से मेरे अंडों को खा गई। हाय, मैं क्या करूं प्यारी कबूतरी। तेरे अंडे मुझे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसीलिए तो मैं तेरे अंडे खा जाती हूँ। कबूतरी गुस्से में भरकर अपनी चोंच से नागिन पर प्रहार करने लगी। नागिन कबूतरी को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबूतरी उड़कर दूर चली गई और एक दूसरे पेड़ पर बैठकर रोने लगी। हाय हाय, बिजली गिरे उस इच्छाधारी नागिन पे, मेरे अंडे खा गई। कमीनी, फिर से मेरे अंडे खा गई। जिस पेड़ पर कबूतरी बैठी रो रही थी, उसी पेड़ पर मधुमक्खी का एक छत्ता भी लगा हुआ था। रानी मधुमक्खी कबूतरी का रोना सुनकर कबूतरी के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ कबूतरी बहन? क्या तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम यहाँ बैठकर इतनी करुण आवाज में रो रही हो? बहन मधुमक्खी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जब भी अपने घोंसले में अंडे देती हूँ, एक इच्छाधारी नागिन आकर मेरे अंडे खा जाती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उस नागिन से अपने अंडों की रक्षा कैसे करूँ। कबूतरी बहन, तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे उस नागिन पर गुस्सा भी आ रहा है। मेरे विचार से उस दुष्ट नागिन को सजा मिलनी चाहिए। अरे वो तो इच्छाधारी नागिन है, उसे कौन सजा देगा? मेरे पास एक योजना है, सुनो। और फिर मधुमक्खी ने कबूतरी के कान में अपनी योजना बताई और योजना सुनकर कबूतरी बोली, ठीक है बहन, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगी। फिर अगले दिन कबूतरी मधुमक्खी वाले पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिन बीत जाने पर घोंसले में अंडे भी दे देती है। फिर एक दिन जब कबूतरी कहीं दाना चुगने के लिए गई तो वहां पर एक बार दोबारा इच्छाधारी नागिन आ गई और वो अंडों को खाने लगी। तभी बहुत सी मधुमक्खियों ने अपने छत्ते से निकलकर नागिन पर हमला बोल दिया
और नागिन को अपने नुकीले डंक चुभा चुभा कर बेहाल कर दिया। नागिन दर्द के मारे चीखने लगी। अरे बचाओ बचाओ, मधुमक्खियों से मुझे बचाओ। अरे छोड़ दो मधुमक्खियों, छोड़ दो मुझे। आए, अरे मैं मर गई रे। मधुमक्खियों के काटने से नागिन का पूरा शरीर सूज कर मोटा हो गया और नागिन पेड़ से नीचे गिर पड़ी। नागिन से अब उठा भी नहीं जा रहा था। तभी कबूतरी भी वापस अपने घोंसले में लौट आई और अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई। रानी मधुमक्खी कबूतरी के पास आई और बोली, देखो कबूतरी बहन, हमारी योजना सफल हो गई है। तुम्हारे अंडे खाने वाली नागिन को हमने कैसा सबक सिखाया है। कबूतरी उड़कर नीचे पड़ी हुई नागिन के पास आई और बोली, दुष्ट नागिन, आ गई तेरी अकल ठिकाने। अब बोल, फिर से आएगी मेरे अंडे खाने। अरे जान बख्श तो मेरी। अरे भाई, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। जाने दो मुझे, मैं वादा करती हूँ आज के बाद किसी के भी अंडे नहीं खाऊंगी। और फिर नागिन किसी तरह रेंगती हुई वहां से चली गई। कबूतरी रानी मधुमक्खी को धन्यवाद देने लगी। बहन, तुमने उस दुष्ट नागिन को सबक सिखाकर मेरे अंडों को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उपकार कैसा बहन, एक दूसरे की मदद करना हम जीव जंतुओं का फर्ज है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।